Assalamu alaikum guys, I hope that you all are doing great. Don't skip, this is an important video. इस वीडियो का मकसद है लोगों को अवेयर करना विद द करंट अफेयर्स. राइट नाउ आवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेट क्राइसिस, और इस वक्त हमें मेरे ख्याल से एक कौम की तरह लड़ना चाहिए, एक नेशन की तरह एक्ट करना चाहिए. गाइज, वी आर एसोसिएटेड विद द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज यूथ ट्रस्ट, जो कि पास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं. लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए हैं. अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट में जाने से पहले, उस बात को बताने से पहले जो कि अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ क्लिम्स दूंगा और कुछ पुराने जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में बताऊंगा. तो आए पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे. तो लेट्स गो. तो गाइस, जो हमने इनिशिएटिव लिया था वो अवतार ड्राइव से लिया था. हमने उनको अरेंज किया और जब वो हमने किया तो हम लाइक एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी हम सब में और हमें बहुत अच्छा लगा. तो उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट था, वो हम ईद के दिन, ईद के पहले दिन हम ओल्ड एज होम गए थे, जहाँ हम अपने बुजुर्गों से मिले और लाइक हमें बिटर ट्रुथ का पता चला जो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है आजकल, ठीक है. और उनसे मिलके हमें इतना अच्छा लगा, वो इतने खुश थे कि मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनकी खुशी. और फिर हमने उनको कुछ बेसिक नीड्स जो होती हैं एक इंसान की, हमने उनको वो प्रोवाइड की. और जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट था वो था स्कूल की रेन्यूएशन. प्राइमरी स्कूल था, उसके कुछ फंड्स नहीं थे, हमने सब ने फंड्स अरेंज किए, ठीक है. उसके बाद हमने उस स्कूल का खुद काम किया. ऐसा आपने देखा, ये हमारे कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स थे. राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट COVID-19, सो वी आर डूइंग द सेम, ठीक है. COVID-19 का जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया. और सबसे बड़ी बात, रादर देन दिस, हमने उनको अवेयर किया उन लोगों को जो सोशल मीडिया के साथ जिनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं था. और काफी अच्छे रिजल्ट्स थे. मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम स्टेटस पोस्ट कर देते हैं क्वारंटीन डे 16 ब्ला 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 बोर्ड ये वगैरह वगैरह. रादर देन दिस हम बहुत से अच्छे काम भी कर सकते हैं. मैं नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया पे स्टेटस पोस्ट ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप करें. लेकिन हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया. तो आप उस चीज का खास ख्याल रखें. तो जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है, जो COVID-19 राउंड 2 है, जिसमें लॉकडाउन हो चुका है, हमारा मजदूर तबका बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हुआ है, मतलब लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, उसके लिए वी हैव सम ग्रेट प्लान. तो अब आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं. तो राइट नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन पैकेजेस. और जो हमारा टारगेट है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग नंबर है हमारा, वो 20 फैमिलीज है, ठीक है. एज ए नेशन हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों की मदद करें. और हदीस का मफहूम भी है कि हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए. और जो ये राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सफ़ेद पोश लोगों को करेंगे. हमने डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, वो लोग जो मजदूर हैं, जिनका रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है ड्यू टू COVID-19, हम उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये सब चीज़ें. तो आए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें और हमारे राशन पैकेज में क्या है. तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि राशन में क्या क्या चीज़ें हैं और हमने मतलब क्या क्या बाय किया है देने के लिए. तो आए पहले ये पीछे आप मैं देख सकते हैं, ये सारा सामान है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने क्या क्या लिया. तो चलें देखते हैं पैक में क्या क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले है फ्लोर है 15 kg, उसके बाद शुगर है 2.5 kg, ठीक है. उसके बाद राइस है 2.5 kg, उसके बाद है घी 1 पैक, ठीक है. ऑयल के 2 पैक हैं और दाल चना है 0.5 kg, लाइक आधा किलो दाल. मसूर है आधा किलो, चने हैं आधा किलो, सॉल्ट 1 kg वाला पैक है जो, उसके बाद सोप 2 पैक्स हैं और वॉशिंग पाउडर है 1 kg, टी जिसको हम पत्ती कहते हैं वो है 0.25 kg, अनियंस हैं 2 kg और पोटैटोज हैं 2 kg. ये है एक राशन कंप्लीट राशन बैग जिसमें ये सारा सामान है, ठीक है. और इसकी जो कंप्लीट प्राइस है वो है 3000. मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी किया है इससे पिछले प्रोजेक्ट और जो भी हम करने जा रहे हैं ये सब हमने अपने ओन पे किए हैं. लाइक ये सारे यंगस्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. इन्होंने अपने सर्कल से ही मतलब डोनेशंस वगैरह हुई हैं और इन्होंने खुद डोनेट किया है.
और हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ इजी पैसा के और फ़ोन नंबर, तो प्लीज़ जितनी भी आप डोनेशंस कर सकते हैं, इवन आप 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं प्लीज़ डोनेशंस करें। आपकी डोनेशन सेफ हैंड्स में है, ठीक है। आपको पूरी अश्योरिटी दी जाएगी कि आपके पैसे अच्छी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको उसका हिसाब भी दिया जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्प करें इस मुश्किल वक्त में, एक दूसरे के काम आए। और ये सारे नंबर्स हैं, इजी पैसे के भी नंबर हैं और बाकी भी नंबर्स हैं, कॉन्टेक्ट करें। और जिसने मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, अपने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं उसमें भी स्टोरी पोस्ट करूँगा। और जितने भी लोगों ने डोनेशन की हैं, मेरे पिन कॉमेंट में भी ये नंबर्स हैं और लिंक है, तो जितने भी लोगों ने डोनेशन की हैं वो मुझे DM करें, मुझे बताएं और मैं उनको ज़रूर मेंशन करूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मैं आपका एहसान मंद होऊंगा और अल्लाह आपको इसका अजर देगा, तो प्लीज़ मदद करें सबके, शुक्रिया। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइज़ मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ डोनेशंस की, तो प्लीज़ जितना आपसे हो सके डोनेट करें। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी, किसी की भी मदद करते हुए वीडियोस ना बनाएं, ताकि कल को अगर उनके बच्चे बड़े होकर देखें तो वो ये ना समझे कि वो भीख में पलते रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। हम भी ये ऐसे ही कर रहे हैं, हमने आपको सारे पैकेज की वीडियो वगैरह दिखा दी, लेकिन हम उनको देते हुए दूसरों को हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, अब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने, जो कि 20 फैमिलीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ आपसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।